आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके ही इस चैनल पे, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के चैनल पर, राजयोग सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन चैनल पर, एक ऐसा वरदान जिसमें परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि हमारा इम्पैक्ट, हमारी जो अवस्था होती है उसका असर किसी भी आत्मा पर बहुत समित रहता है। इसी तरीके से हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, हमने किसी के लिए क्या किया होता है वो आत्माएं हमारे कई कई जन्मों में हमारे साथ में होती हैं। लेकिन क्यों हम ये सिर्फ एक आत्मा दो आत्मा के लिए करें, क्यों हम इसको सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों तक सीमित रखें? क्या हम ये जो हम चैरिटी की बात कर रहे हैं, जो इस डोनेशन की बात करने वाले हैं इस वरदान में, क्या हम औरों के साथ नहीं कर सकते? क्या हम पूरे विश्व को नहीं दे सकते? क्योंकि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। सारे विश्व को अगर आप देखें, सारे विश्व की आत्मा ही आप जैसी दो आंखें, हाथ पैर मुख आंख लेकर के आई हैं, और ये सब आत्माएं प्रेम सुख शांति शक्ति आत्मबल आत्मविश्वास चाहती हैं। तो आज परमात्मा ने ये डोनेशन और चैरिटी की बात करी है, जिसमें कि हम आत्माओं को ये ऐसी चीज ऐसी शक्ति देते हैं जो कि परमात्मा की दी हुई है, हमें हमारी खुद की नहीं है, उनको हम पास ऑन कर देते हैं, बांट देते हैं आगे, जिससे कि वो हमें कई समय तक याद करते हैं, कई जन्मों तक उनको स्मृति रहती है, और जब भी हमें वो कहीं भी मिल जाते हैं किसी भी जन्म में, तो वो हमें बहुत प्यार से बहुत खुशी से बहुत ही नम्रता से मिलते हैं, और अगर ना भी मिले तो वो हमारी किसी न किसी प्रकार से आरती, मतलब कि हमारे गुणों की, हमारी शक्तियों की, हमारे किए हुए उनको लाभ की यादगार के रूप में डिवोशन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो परमात्मा आज इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव, कि अभी हम जो इस संगम युग में करेंगे, कलयुग खत्म होने वाला है, और खत्म होने से पहले परमात्मा के दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों को हमें औरों को फटाफट देना है। और ये क्यों देना है? क्योंकि हमारी भावना ही ऐसी है, ये नहीं कि हमें उनसे कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ हम उन्हें जो आज परमात्मा से लेकर के दे रहे हैं, खुद का नहीं, परमात्मा से लेकर के बांट रहे हैं निमित्त बन करके, जैसे कोई प्रसाद बांटता है तो भंडारी से लाइन लगी होती है और बांटते 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 सब तक बढ़ जाता है, हम भी परमात्मा प्रसाद को हम बांट रहे हैं। क्या आप भी बांटना चाहेंगे? क्योंकि इससे मुख मीठा होता है, मन मीठा होता है, और मन में शांति आती है, और ये बांटना जो होगा ये औरों को कई समय तक, कई जन्मों तक, 2500 वर्षों तक याद रहता है। सोचिए जरा, याद ये नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति कौन था, शक्ल नहीं याद रहेगी, लेकिन हाँ भासना आएगी, भावना महसूसता होगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अंतिम समय में, अंतिम समय मतलब कलयुग का अंत में, जब कमजोर आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को संपूर्ण तरीके से याद नहीं किया, परमात्मा से योग नहीं लगाया, परमात्मा के ज्ञान को नहीं सुना, आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव, यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर उनको वो आदत पड़ जाएगी कि मुझे शक्ति की जरूरत है, मुझे प्रेम की जरूरत है, और उनको वो अनुभव हो जाएगा, लेकर आधा कल्प के लिए उनकी एक मेमोरी में फिट हो जाएगा, आधा कल्प मतलब 2500 वर्ष के लिए अपने घर में विश्राम होंगी, परमधाम जहां परमपिता परमात्मा निराकार जहां रहते हैं उसको परमधाम कहते हैं, उसको निर्वाण धाम कहते हैं, उसको शांति धाम कहते हैं, उसको हम आलम अरवा कहते हैं, मुस्लिम धर्म में अनंत नाम है उसके जगह के, और परमात्मा भी वहां पर रहते हैं, तो उनको जब वहां वापस लौटेंगे हम सब आत्माएं, तो उनको स्मृति रहेगी जब वो विश्राम में होंगी, और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। द्वापर में जब वो आएंगी, नीचे उतरेंगी, तब देवी देवताओं की स्मृति याद आएगी उनको, अरे हाँ मुझे ये दिया था, मुझे ये शक्ति दी थी, मुझे ये ज्ञान दिया था, मुझे ये गुण दिया था, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक करी थी उन्होंने, उनको ये सब कुछ याद आएगा उस समय। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। अनुभव का दान कि इस सिचुएशन में, ये परिस्थिति में, ऐसे व्यक्ति के साथ में हमें कैसे निपटना है, कैसे उनसे हमें अपने आप को बचा करके बिना पाप कर्म करे हुए कैसे आगे बढ़ना है। यह सेकंड का शक्ति, एक सेकंड, यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य, आधा कल्प, यह हो गया पूरा कल्प 5000 वर्ष, आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा, पूजनीय और गायन योग्य बना देगा, लोग महिमा करेंगे, हमारी सिर्फ मूर्तियां रह जाएंगी, ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर बदल जाते हैं हर जन्म में, लेकिन उनको स्मृति रहेगी और वो एक
पूजनीय स्वरूप में, देवी देवताओं के स्वरूप में वो मूर्तियां बनाकर पूजा करें कि इन्होंने कभी ना कभी हमें कुछ दिया था। धन दौलत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, विवेक की बात हो रही है। उस विवेक के द्वारा उन्होंने जो कर्म किए उसके बाद में उनको धन की प्राप्ति, तन की सेहत की प्राप्ति हो या जो भी हो, उनको प्राप्तियां हुई, ये बात हो रही है। ये कैसे किया था, कब हुआ था, कैसे करना है ताकि हम औरों के मन और बुद्धि और दिल पर छाप छोड़ जाए। जन्म जन्मांतर की अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन अगर आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इस ज्ञान को समझेंगे तो बुरी छाप छोड़ना आपको थोड़ा कम हो जाएगा और अच्छी छाप छोड़ना आपको बढ़ जाएगा। आप ही जाइए, इस विद्या को लीजिए निःशुल्क। इसके साथ ओम शांति।